सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल निमी नेट पर। दोस्तों आज हम लॉजिकल रीजनिंग में स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के बारे में क्वेश्चन करने वाले हैं। दोस्तों आपने काफी क्वेश्चन देखे होंगे जिनमें इस तरह के क्वेश्चन दिए होते हैं, सभी व्यक्ति ईमानदार होते हैं, कुछ व्यक्ति ईमानदार नहीं होते, कोई व्यक्ति ईमानदार नहीं होता, तो इस तरह के काफी क्वेश्चन आते हैं, उनमें करने में हमें बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल आसानी से बताएंगे कि इस तरह के क्वेश्चन आप बिल्कुल आसानी से और 10 सेकंड के अंदर किस तरह से कर सकते हैं। मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि किस तरह से आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से देखना। दोस्तों हमने NDA UGC NET दिसंबर 2019 एग्जाम के लिए एक पेड व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। इस ग्रुप में हम आपको दोस्तों सिस्टमैटिक ढंग से स्टडी करवाएंगे। इस ग्रुप में आपको हर रोज़ दो वीडियो मिलेगी, सुबह की जो वीडियो होगी वो थ्योरेटिकल होगी और शाम की जो वीडियो होगी उसमें हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताएंगे और उनका मॉक टेस्ट भी लेंगे। इस ग्रुप में आपको दोस्तों 10 यूनिट के PDF स्टडी नोट्स दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको 2012 से लेकर 2019 तक टॉपिक वाइज ओल्ड पेपर PDF दी जाएगी और इसके साथ साथ आपको हर यूनिट में मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन की PDF दी जाएगी। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और अपनी स्टडी अच्छे से कीजिए। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों क्वेश्चन करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इनके बारे में मैंने आपको सुबह की वीडियो में भी बताया था, एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले आता है दोस्तों हमारे पास यूनिवर्सल पॉजिटिव। यूनिवर्सल पॉजिटिव क्या होता है दोस्तों? ऑल बॉल आर स्ट्रॉन्ग, यानी कि जिसके अंदर सभी चीज़ें सत्य मानी जाती है उसे हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल पॉजिटिव कहते हैं और इसे ए से डिनोट करते हैं। फिर आता है दोस्तों हमारे पास यूनिवर्सल नेगेटिव। यूनिवर्सल नेगेटिव के अंदर क्या होता है कि सारी की सारी जो चीज़ें उनको हम गलत मान के चलते हैं, झूठ मान के चलते हैं, यानी कि नेगेटिव तरीके से लेके चलते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल नेगेटिव कहते हैं और उसे डिनोट करते हैं ई से। और उसके बाद आता है दोस्तों हमारे पास पर्टिकुलर पॉजिटिव। अब देखिए पर्टिकुलर पॉजिटिव के अंदर क्या होता है कि कुछ जो समान होता है, कुछ चीज़ें होती हैं वो सही होती है और कुछ गलत होती है, तो इसके अंदर क्या होता है? पर्टिकुलर पॉजिटिव के अंदर कुछ चीज़ों को हम सही मानते हैं और पर्टिकुलर नेगेटिव के अंदर कुछ चीज़ों को हम गलत मानते हैं। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि सम वॉल आर नॉट स्ट्रॉन्ग, यानी कि पर्टिकुलर नेगेटिव के अंदर कुछ को गलत और पर्टिकुलर पॉजिटिव के अंदर कुछ को सही मानते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान से रखना, याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, इन्हीं की बेस पे अपना पूरा का पूरा क्वेश्चन होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे देखते हैं। और उसके बाद में दोस्तों एक और जो कॉन्सेप्ट है जो हमें याद रखना है, चार स्टेप है इसके अंदर, वो याद रखने जरूरी है। अब देखिए सबसे पहले आते हैं हमारे पास कंट्राडिक्टरीज। कंट्राडिक्टरी किसे कहते हैं दोस्तों? जो एक दूसरे के विरोधाभासी हो। यहाँ पे हमने कलर दे रखा है, ये कलर देख सकते हैं और यहाँ पे ये एरो दे रखे कलर वाली, ये हमें देखना है। देखिए कंट्राडिक्टरीज़ के अंदर क्या होता है, जैसे मैंने आपको सुबह भी बताया था कि ऑल बॉल आर स्ट्रॉन्ग, तो ये किसके विरोधाभासी होगी? सम बॉल आर नॉट स्ट्रॉन्ग, यानी कि एक बंदा है वो कह रहा कि सारी की सारी बॉल है वो स्ट्रॉन्ग है और दूसरा बंदा कह रहा कि कुछ बॉल स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उन दोनों की जो बातें वो दोस्तों एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे का विरोध कर रही है। उसके बाद है दोस्तों हमारे पास सबअल्टर्न। सबअल्टर्न के अंदर क्या होता है दोस्तों? एक चीज़ सही है तो दूसरी चीज़ भी सही होगी। अब देखिए इसके अंदर ऑल बॉल आर स्ट्रॉन्ग, यानी कि सभी बॉल हमारी स्ट्रॉन्ग है, तो इससे क्या अर्थ निकलता है कि कुछ बॉल है हमारी वो भी स्ट्रॉन्ग होगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों ये मैंने आपको सुबह करवाया था, बहुत अच्छे से करवाया है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप प्लीज़ सुबह वाली वीडियो देखिए, उससे आपको पूरा का पूरा ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन करवा के दिखाने वाले हैं, तो चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन पर चलते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों अब हम अपना सबसे पहला क्वेश्चन करके देखते हैं और देखते हैं कि किस तरह से आएगा। देखिए इसमें इन्होंने कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस कथन के विपरीत है, कुछ व्यक्ति ईमानदार नहीं होते। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो कथन दिया है उसकी प्रकृति यानी कि उसकी नेचर किस तरह की है, वो यूनिवर्सल पॉजिटिव है, यूनिवर्सल नेगेटिव है, या फिर पर्टिकुलर पॉजिटिव या पर्टिकुलर नेगेटिव है। अब देखिए इसमें कहा है कि कुछ व्यक्ति ईमानदार नहीं होते, तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? ये पर्टिकुलर नेगेटिव है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ए है जो हमारा यूनिवर्सल पॉजिटिव है, ई है वो हमारा यूनिवर्सल नेगेटिव है,
आई जो है हमारा वो पर्टिकुलर पॉजिटिव और ओ जो है हमारा वो पर्टिकुलर नेगेटिव है। तो इसके अंदर कुछ व्यक्ति ईमानदार नहीं होते तो वो ओ हो जाएगा हमारा पर्टिकुलर नेगेटिव। अब देखिए, अब इसमें हमें देखना कि कौन सा जो कथन है वो इसके विपरीत होगा, ठीक है। और अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि जो विपरीत होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमने देखा था इसके अंदर जो कंट्राडिक्टरीज जो होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। कंट्राडिक्टरीज के अंदर जो हमारा पर्टिकुलर नेगेटिव होता है वो विपरीत किसके होता है, यूनिवर्सल जो पॉजिटिव होता है उसके हमारे विपरीत होता है। ये चीज़ मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाई है, आप हमारी पहले की जो सुबह की जो वीडियो है वो देख सकते हैं, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा सभी व्यक्ति ईमानदार होते हैं। यानी कि अब देखिए, कुछ व्यक्ति ईमानदार नहीं होते, वो क्या है, कुछ व्यक्ति ईमानदार नहीं होते, तो इसका विपरीत क्या होगा, सभी के सभी जो व्यक्ति है वो ईमानदार होते हैं। तो इस तरह से बिल्कुल आसानी से ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं दोस्तों, और आगे हम जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से ये कॉन्सेप्ट समझ में आने लगेगा। और किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के ज़रिए। और अभी आप थोड़ा धैर्य रखिए, हम आगे और भी क्वेश्चन करने वाले हैं तो उनमें आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। इसके अंदर इन्होंने कहा है कि यदि इस कथन को सत्य मान लिया जाए कि अधिकतर विद्यार्थी आज्ञाकारी होते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन से एक कथन युग्म को सही माना जा सकता है। अब देखिए, इसमें क्या कहा है इसने, वही बात मैं आपको कहता हूँ कि सबसे पहले हमें कथन को समझना चाहिए कि कथन का जो नेचर है वो क्या है। इसने कहा है कि अधिकतर विद्यार्थी आज्ञाकारी होते हैं, इसने ये नहीं कहा कि सभी, नहीं कहा सभी विद्यार्थी आज्ञाकारी होते, ये बात नहीं कही, इसने कहा है कि अधिकतर। तो इसका क्या होगा दोस्तों, ये हमारा आई होगा, आई का मतलब है पर्टिकुलर पॉजिटिव, यानी कि अधिकतर विद्यार्थी हमारे आज्ञाकारी होते हैं, ये हो गया आई। और उसके बाद में हम देखते हैं कि इनमें से कौन कौन से कथन है वो सही हो सकते हैं। अब चलिए हम इसके ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब देखिए, इन्होंने सबसे पहला ऑप्शन दिया है कि सभी आज्ञाकारी व्यक्ति विद्यार्थी होते हैं, ये बात तो दोस्तों सही नहीं है क्योंकि इन्होंने यहाँ पे व्यक्ति का जिक्र नहीं किया है ऊपर, तो हम अपनी तरह से कोई भी आंसर नहीं दे सकते, हमें कथन देखना है। अब ऑप्शन नंबर टू, सभी विद्यार्थी आज्ञाकारी होते हैं। अब देखिए, इसमें ये चीज़ आ तो रही है, देखिए ओ इन्होंने, आई इन्होंने कहा है कि अधिकतर विद्यार्थी आज्ञाकारी होते, तो इससे कुछ संभावना बनती है कि सभी के सभी विद्यार्थी हमारे आज्ञाकारी हो, ये संभावना बनती है, लेकिन हम इसे 100% सही नहीं कह सकते। अगला देखते हैं, कुछ विद्यार्थी आज्ञाकारी होते हैं, ये बात इसकी बिल्कुल सही है दोस्तों। अब देखिए, इसने कहा है कि अधिकतर विद्यार्थी आज्ञाकारी होते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ विद्यार्थी जो है आज्ञाकारी होते, ये बिल्कुल इसकी बात सही है। कुछ विद्यार्थी आज्ञाकारी नहीं होते, ये बात भी इसकी बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि हमने एक पीछे किया था उसके अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए हमारा ये जो होता है सब कंट्रेरीज जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि अगर आई सही है तो ओ भी हमारा सही होगा, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी सब कंट्रेरीज के अंदर। अगर हमारा यूनिवर्सल पॉजिटिव सही है तो यूनिवर्सल नेगेटिव भी सही होगा, यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि कुछ चीज़ें सही है, यानी कि कुछ विद्यार्थी आज्ञाकारी है तो कुछ विद्यार्थी आज्ञाकारी नहीं होंगे। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो आएगा सी, आएगा 4 और 3, यानी कि ये आएगा कुछ विद्यार्थी आज्ञाकारी होते और कुछ विद्यार्थी आज्ञाकारी नहीं होते। तो इस तरह से दोस्तों बिल्कुल आसानी से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे हमारे पास है दो अभिकथनों के उद्देश्य और विधेय की शब्दावली यदि ऐसी है कि एक की शब्दावली दूसरे का निषेध करती है, तो उन दोनों के बीच का संबंध क्या कहलाता है। अब देखिए, एक दूसरे का निषेध मतलब यानी कि एक दूसरे का विरोध करती है, तो उसे हम किस तरह की शब्दावली कहेंगे, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी दोस्तों, कंट्राडिक्टरीज होते हैं। और ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए कंट्राडिक्टरीज के अंदर मैंने आपको यहाँ पे पहले बताया था कि एक शब्दावली दूसरे का विरोध करती है। कंट्राडिक्टरी दोस्तों कि जो कंट्राडिक्टरीज जो होती है वो ए ओ का विरोध करती है और ई आई का विरोध करती है। और इस तरह से बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। और आपको बार बार मैं एक बात कह रहा हूँ कि अगर ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से करना, कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप सुबह की जो वीडियो थी कल की हमारी वो ज़रूर देखिए, उससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और आगे देखते दोस्तों, आगे हमारा है आगे क्वेश्चन नंबर 17, ये हमने शायद कर लिया, हाँ ये। अब देखिए,
क्वेश्चन नंबर 17 आ रहा है इसके अंदर, सितंबर 2013 के अंदर आया था। यदि दो प्रतिशतियों में से दोनों एक दूसरे एक साथ गलत नहीं हो सकती परंतु दोनों एक साथ सही हो सकते हैं, उन दोनों के बीच का संबंध क्या है। अब देखिए दोस्तों, ये बात मैंने आपको अभी बताई कि दो ऐसे कथन जो सही हो सकते एक साथ लेकिन गलत नहीं हो सकते, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम सब कंट्रेरी कहेंगे। अब देखिए इसका भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये हमने किया कहा था कि सम बोल आर स्ट्रोंग, तो इसका मतलब क्या होता है, सम बोल आर नॉट स्ट्रोंग, तो ये क्या होगा, हमारा सब कंट्रेरीज होगा इसका आंसर। यानी कि ऐसे कथन जो दोनों के दोनों गलत नहीं हो सकते, दोनों सही हो सकते, उसे हम क्या कहेंगे, सब कंट्रेरीज कहेंगे। तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो हमारा बी आंसर आ जाएगा, यानी कि इसके अंदर आई और ओ की जो बात चल रही थी, यानी कि कुछ व्यक्ति ईमानदार है कुछ व्यक्ति ईमानदार नहीं है, इस तरीके से भी इसको हम समझ सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से जो क्वेश्चन है हमारे हो रहे हैं, आपको बस वो चार्ट याद करने की ज़रूरत है जो हमने सुबह आपको समझाया था। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, जुलाई 2016 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। यदि यह कथन कि सभी चोर गरीब होते हैं गलत है, वही बात मैं कह रहा हूँ आपको कि सबसे पहले हमें कथन को समझना चाहिए कि कथन क्या कह रहा है। अब देखिए इसने कहा है कि सभी चोर गरीब होते हैं, ये बात गलत है। अब देखिए सबसे पहले ये ड्रॉ कीजिए, सभी चोर गरीब होते, ये हमने ए मान लिया, सभी चोर गरीब होते, ये बात ये कह रहा कि ये गलत है, ये बात क्या है, गलत है, सभी चोर गरीब होते ये बात गलत है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा वो हमें बताना है इसमें। अब देखिए ये गलत है तो इसके विपरीत क्या होगा, सही क्या होगा वो बताइए। वो मैंने आपको बताया था कि जब हमारा यूनिवर्सल पॉजिटिव अगर गलत हो तो हमारा क्या होगा, पर्टिकुलर नेगेटिव हमारा सही होगा, यानी कि ओ जो है हमारा वो सही होगा। ओ में क्या आता है, वो आता कि कुछ चोर गरीब नहीं होते। चलिए मैं आपको अच्छे से समझाने के लिए दोबारा फिर अपने चार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। अब देखिए इसके अंदर कंट्रेरीज के अंदर क्या होता है, ऑल बॉल आर स्ट्रोंग, तो इसके जो विपरीत होता है वो क्या होता है दोस्तों, सम बॉल आर नॉट स्ट्रोंग, ये होता है। तो इस तरीके से बिल्कुल आसानी से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन है वो समझ में आ रहे होंगे, और अगर कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है, हो सकता है कि मेरे से भी गलती हो जाए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए ज़रूर बताना, और कोई बात समझ में ना आए तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे जो व्हाट्सअप नंबर है दोस्तों यहाँ पर ये दिया, यहाँ पर भी आप हमें सवाल जवाब कर सकते हैं, और हमारा पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह है अगस्त 2016 में आया था। यदि दो अभिकथन इस प्रकार संबंध हो कि वे दोनों गलत नहीं हो सकते हालांकि वे दोनों सही हो सकते हैं, तो उनके संबंध को क्या कहेंगे। ये क्वेश्चन दोस्तों हमने अभी किया है और ये क्वेश्चन दोबारा फिर रिपीट हो गया। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, सबसे पहले ये देखते कि ये देखो इसने क्या कहा है, वे दोनों गलत नहीं हो सकते और वे सही हो सकते हैं, यानी कि दोनों के दोनों क्या है, गलत नहीं हो सकते, दोनों के दोनों सही हो सकते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे। तो वो होता है दोस्तों हमारा सब कंट्रेरी होता है, और यही क्वेश्चन हमने अभी किया था, पीछे मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों यही क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ, ये सितंबर 2013 में आया था कि दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते परंतु दोनों एक साथ सही हो सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया था कि जो पर्टिकुलर पॉजिटिव और पर्टिकुलर नेगेटिव जो है वो दोनों के दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते, दोनों एक साथ सही हो सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो हमारा सब कंट्रेरी आएगा, और यही क्वेश्चन हमारा दोबारा फिर रिपीट हुआ था यहाँ पे। ये देखिए ये अगस्त 2016 के अंदर दोबारा फिर आ गया कि वे दोनों गलत नहीं हो सकते सही हो सकते, तो उसे हम क्या कहेंगे, सब कंट्रेरी कहेंगे। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान में रखना, हो सकता है अब की बार फिर आ जाए। और दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बता देता हूँ कि आप जो है इंग्लिश में याद रखना इन सभी चीज़ों को, क्योंकि हिंदी में आपको हमेशा कन्फ्यूज़ करने वाले वर्ड दिए जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, आप ये कहेंगे कि सर आपने तो हमें ये चीज़ पढ़ाई नहीं है, लेकिन जब आप इंग्लिश में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये चीज़ हमने पढ़ी हुई है। तो ज़रूरी है हमारे लिए इंग्लिश हिंदी दोनों में पता होना, और मोस्ट ज़रूरी तो हमें इंग्लिश में पता होना ज़रूरी है। और आगे देखते दोस्तों, आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 26 ये अगस्त 2016 में आया है। यदि समान उद्देश्य तथा विधेयक के दो समान
निरपेक्ष तर्क वाक्य इस प्रकार संबंध है कि अगर एक अनिर्धारित रहता है तो दूसरा भी अनिर्धारित होगा, उनका संबंध क्या कहलाता है ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए इसके बारे में भी मैंने आपको करवाया था, मैं आपको वो PDF दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब ये देखिए दोस्तों, हमने सुबह की थी कंट्राडिक्टरीज क्या होता है, उसके अंदर हमने देखा था कि अगर एक अनडिटरमाइंड रहता यानी कि एक का रिजल्ट नहीं निकलता तो दूसरे का भी हम रिजल्ट नहीं निकाल सकते, यानी कि कंट्राडिक्टरीज के अंदर क्या होता है, यूनिवर्सल जो पॉजिटिव होता है वो विपरीत होता है हमारे पर्टिकुलर नेगेटिव के। अगर हमें ये पता नहीं चले कि यूनिवर्सल पॉजिटिव है या नहीं है, अगर यूनिवर्सल पॉजिटिव के बारे में पता नहीं चले तो हम पर्टिकुलर नेगेटिव के बारे में भी हम कुछ नहीं कह सकते, यानी कि अगर हमें ए ना पता हो तो हम ओ के बारे में भी पता नहीं कर सकते। यही हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका जो आंसर है वो कंट्राडिक्टरीज आएगा। ये जो चार्ट है दोस्तों ये अच्छे से देख लेना, सुबह के हमने वीडियो में बताया है। अब देखिए दोस्तों, यही बात इसमें कही गई है कि एक अगर अनिर्धारित रहता तो दूसरा भी अनिर्धारित रहेगा, तो उस समय हमारा उन दोनों में क्या संबंध होगा, तो वो दोनों क्या होंगे दोस्तों, वो होंगे हमारे कंट्राडिक्टरीज होंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये हमारा जनवरी 2017 में आया है, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं। अब इसके अंदर देखिए इन्होंने कहा है कि पालतू पशु कम खूंखार होते हैं, यह असत्य मान लिया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन से वाक्य सत्य होंगे। अब देखिए इसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका हम नेचर समझने की कोशिश करते हैं। पालतू पशु कम खूंखार होते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम इसे ई मान लेते हैं दोस्तों, सॉरी ओ मान लेते हैं, कि पालतू पशु कम खूंखार होते हैं, यानी कि कुछ की बात की गई है ना, तो इसे हम ये मान लेते हैं। और ये असत्य है, ये क्या है, गलत चीज़ है दोस्तों, इसने कहा है कि ये गलत है, तो इसका विपरीत क्या होगा, सबसे पहले ये देखो विपरीत क्या होगा, विपरीत होता है ए हमारा होता है, यानी कि सभी की सभी जो पालतू पशु है वो खूंखार होते हैं। ये हो गया एक हमारी यूनिवर्सल पॉजिटिव होगी, क्योंकि इसने ये कहा है कि कुछ जो पालतू पशु है वो खूंखार होते, ये असत्य है, यानी कि ओ है वो गलत है, तो इसका सत्य क्या होगा, ए तो ये हो जाएगा, यानी कि सभी की सभी जो पशु है वो खूंखार होते हैं। और जब हमारा ए सही होता है तो हमारा ये भी हमारा सही हो सकता है, हमारा जो आई होता है, यानी कि अधिकांश पशु खूंखार होते हैं। ठीक है, अंदर क्या आता है, सभी पालतू पशु खूंखार होते हैं, अधिकांश पालतू पशु खूंखार होते हैं, तो इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला है हमारा दिसंबर 2018 के अंदर आया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य हो सकता है। अब ये देखिए इसने कहा है कि सभी जानवर जंगली हैं। अब इसका नेचर क्या हुआ दोस्तों, ये हो गया हमारा यूनिवर्सल पॉजिटिव, यानी कि सभी जानवर जंगली है, और इसका जो इससे रिलेटेड क्या होगा, इससे रिलेटेड इससे नीचे होता है दोस्तों कि कोई भी गैर जानवर जंगली नहीं है, ये एक बार साइड में छोड़ देते, देखते हैं इस पर, कुछ जानवर जंगली नहीं होते, ये भी हम देखते हैं कि कुछ जानवर जंगली नहीं होते, ये तो दोस्तों ये वो आ गई विपरीत वाली बात आ गई, यानी कि ये पर्टिकुलर नेगेटिव वाली बात आ गई, तो ये नहीं होगा। आगे देखते हैं, कोई भी जानवर जंगली नहीं होता, ये आ गई दोस्तों हमारी ई बात आ गई, यूनिवर्सल नेगेटिव की बात आ गई, और यूनिवर्सल नेगेटिव ये भी दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते, ए और ई दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते, कुछ जानवर जंगली है, अब ये इसकी बात सही है दोस्तों। अब ये कह रहा कि सभी जानवर जंगली है, तो इस बेस पे हम क्या कह सकते हैं कि कुछ जानवर जंगली है, तो इस तरह से दोस्तों आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं दिसंबर 2018 का क्वेश्चन। अब देखिए इसमें इन्होंने कहा है कि कोई कुत्ता चुपाया नहीं है, सबसे पहले हमें इसके नेचर को समझना ज़रूरी है दोस्तों। अब ये कह रहा कि कोई कुत्ता चुपाया नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये यूनिवर्सल नेगेटिव है, कोई कुत्ता चुपाया नहीं है, ई है ये। अब ये कह रहा कि यह गलत है, इसे चलिए हम गलत मान लेते हैं, ये चीज़ गलत है भाई इसकी, तो निश्चित सत्य होने का दावा किया जा सकता, तो सत्य क्या होगा अगर हमारा यूनिवर्सल नेगेटिव गलत हो, तो सत्य क्या होगा, इसके अपोजिट में क्या होगा, ई के अपोजिट में क्या होता है दोस्तों, मैंने बताया था ई के अपोजिट में होता है हमारा पर्टिकुलर पॉजिटिव, यानी कि आई होता है। चलिए ये मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए।
अब ये देखिए दोस्तों, कंट्राडिक्टरीज के अंदर क्या होता है कि ई अगर गलत है तो आई हमारा सही होगा। ये आप नीचे पढ़ भी सकते हैं, एक सही है तो दूसरा गलत होगा, और अगर एक गलत है तो दूसरा सही होगा। अब दूसरा दो नंबर पे पढ़िए, अगर एक गलत है यानी ई गलत है तो दूसरा सही होगा यानी कि आई इसमें सही होगा। तो यही यहीं से हमें समझना है दोस्तों, यहीं से हमारा क्वेश्चन सही होगा। मैंने आपको अभी बताया था कि ई अगर हमारा गलत है तो सही क्या होगा, हमारा आई जो हमारा सही होगा। अब इसमें हमें ये देखना दोस्तों, आई इनमें से कौन सा है, आई का मतलब है सम पर्टिकुलर पॉजिटिव, पर्टिकुलर पॉजिटिव हमें देखना है। सभी कुत्ते चौपाया, ये तो यूनिवर्सल पॉजिटिव हो गया, नहीं। अब देखिए दोस्तों, अभी हमने समझा कि अगर हमारा ई गलत हो तो सही क्या होगा, हमारा आई सही होगा, यानी कि पर्टिकुलर पॉजिटिव। पर्टिकुलर पॉजिटिव के अंदर क्या होता है, कुछ चीज़ें सही होती है। तो इनमें देखते हैं दोस्तों, जो हमारा पर्टिकुलर पॉजिटिव है वो कौन सा पॉइंट है। अब सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, कुछ कुत्ते चौपाया है। तो दोस्तों हमें ये देखिए, ये सबसे पहले ये बात मिल गई कि कुछ कुत्ते चौपाया है, मतलब पर्टिकुलर पॉजिटिव हमें मिल गया। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए होगा, कुछ कुत्ते चौपाया है, यानी कि कुछ कुत्ते ऐसे जिनके चार टांगे होती हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं, और अगर आपको किसी भी तरह की कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं, और अगर कोई ज़्यादा बड़ी समस्या है तो आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना सवाल जवाब भेज सकते हैं। और अगर आप चाहें तो हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, उसमें हम आपको सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी करवाते हैं, 10 10 यूनिट के स्टडी नोट्स देते हैं और ओल्ड पेपर। अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप हमें व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, उस पर हम आपको पूरी जानकारी दे देंगे। और दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और घंटी का बटन जरूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।